नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाटरमेलन या इसे तरबूज भी बोलते हैं, इसका आज हम ड्रिंक बनाएंगे। देखिए वाटरमेलन का देखिए छिलका हटा लिए हैं और इस सबको हम अच्छी तरह से काट लिए हैं और इसका बीजा को भी हम निकाल लिए हैं। देखिए सारे बीजा को हम निकाल लिए हैं और इसमें डालने के लिए देखिए हम 2 चम्मच चीनी लिए हैं। चीनी आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो ले सकते हैं, अगर आपको तारबूज अधिक मीठा है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। तो 2 चम्मच हम चीनी लिए हैं। देखिए नमक लिए हैं, काला नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार दीजिएगा। और ये देखिए पुदीना का पाउडर है, आप चाहे तो फ्रेश पुदीना भी दे सकते हैं। और एक नींबू भी लिए हैं। तारबूज को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। देखिए तारबूज के सारे पीस को हम डाल दिया, इसी में हम देखिए चीनी भी डाल दे रहे हैं। आप चाहे तो चीनी को बाद में भी डाल सकते हैं और इसे हम पीस लेंगे। देखिए दोस्तों हम इसे पीस लिए हैं और इसे इसमें हम देखिए 1/2 चम्मच पुदीना पाउडर डाल रहे हैं और इसी में हम देखिए नींबू भी निचोड़ दे रहे हैं। ये अगर बीजा भी जाएगा तो हम इसको छान लेंगे। 1/2 नींबू हम निचोड़ दे रहे हैं, इसे हम मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए काला नमक भी 1/4 चम्मच डाल रहे हैं और सभी को हम देखिए छन्नी में छान लेंगे। देखिए दोस्तों जार को धोकर भी हम डाल दे रहे हैं और देखिए इसे हम छान लेंगे। देखिए दोस्तों इसे हम छान लिए। देखिए हम छान लिए हैं, इसे चम्मच से अच्छी तरह से हम मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी आप डाल सकते हैं। देखिए दोस्तों छान लिए हैं, इसे हम ग्लास में डाल देंगे। देखिए दोस्तों हम वाटरमेलन जूस को हम ग्लास में हम डाल दिए हैं। अब इसमें हम देखिए कुछ वाटरमेलन का मेन पीस काट लिए हैं, इसे भी हम इस पर डाल दे रहे हैं। ड्रिंक के साथ ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों ड्रिंक बनकर तैयार हो गया, इसे हम तरबूज के पीस से डेकोरेट भी कर दिए हैं। दोस्तों आप भी मेरे बताए हुए तरीके से वाटरमेलन ड्रिंक बनाइए और पीजिए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर दोस्तों।